सोलन में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है और ये ठंड सोलन अस्पताल में भर्ती रोगियों के लिए मानो कहर बनकर टूट रही है। एक तो जहां रोगियों को रखा गया है वो कमरा बेहद ही सिलन भरा है, जिसकी वजह से कमरे में ठंड और भी बढ़ जाती है। ऊपर से वहां भर्ती करीबन 20 मरीजों के लिए दीवार पर एक हीटर टांगा गया है जो ज्यादातर खराब ही रहता है, जिसे दूर से देखकर ही रोगी अपनी सर्दी भगाने का प्रयास करते हैं। रोगियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि उनके वार्ड में ठंड बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से मरीज उनके साथ आए टीमदार भी बीमार होने की कगार पर हैं। उन्होंने कहा कि उनके वार्ड में केवल एक ही हीटर लगा है जो भी ज्यादातर खराब रहता है और रोगियों को ठंड में ठिठुरना पड़ता है। इसीलिए अस्पताल प्रशासन को चाहिए कि वार्डों में कम से कम 3 या 4 हीटर लगाए जाएं ताकि रोगियों को ठंड से कोई असुविधा ना हो। मैं कल शाम को आई हूँ यहाँ पे, बहुत ज्यादा सर्दी है तो फिर यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है हीटर की। एक हीटर है, वो भी कभी जलता है कभी नहीं जलता है। यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, हमारे मरीजों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पेशेंट तो बीमार हो गए जो उनके साथ आए हैं, वो भी बीमार हो गए इस तरह से। तो इस वार्ड में एक ही हीटर पॉइंट लगा है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, और इसमें 2 हीटर पॉइंट और लगने चाहिए जो मरीजों की, ताकि सुविधा हो जाए। और मरीज ठंड की वजह से बहुत परेशानियां हो रही है। मैं यहाँ पे 3-4 दिन से आया हूँ और इस कमरे में एक हीटर लगा हुआ है और ये हीटर कभी चलता है कभी नहीं चलता है, तो रात को यहाँ ठहरने में बहुत दिक्कत आती है। और भी मरीज ठंड से, यहाँ पे बहुत ठंड है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 1-2 हीटर और लगे, ताकि मेरे लिए नहीं और भी पेशेंट यहाँ पे आएंगे उन सब के लिए चाहता हूँ कि अच्छी सुविधा हो।